Good morning, students. Today we will do exercise 9.5. Before starting exercise 9.5, we will learn about some identities. First identity is A plus B whole square. A plus B को आपने A plus B से ही multiply करना है, तो A plus B whole square हो गया. इसको कह सकते हो आप A square plus 2AB plus B square. इसी तरह से second है A minus B whole square. That is A square plus B square minus 2AB. देखिए same है. सिर्फ यहां प्लस की जगह माइनस होना है, वो भी 2ab में. थर्ड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इनटू a माइनस b. अब दोनों तरह से यूज करेंगे. ये गिवन है तो आप ये भी बता सकते हो, ये है तो आप ये भी बता सकते हो. इक्वल है, सभी आइडेंटिटीज में ऐसे होगा. नेक्स्ट इज x plus a into x plus b. अब क्या है, a plus b में तो क्या था, दोनों a plus b थे, यानी a first term भी मिल रही है, b first second term भी मिल रही है. यहाँ first term same है लेकिन second term अलग है, तो ऐसे में क्या होगा, x square plus a plus b x plus a b, यानी x square हो गया. उसके बाद सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करके इधर प्लस ए बी कर दिया, यहाँ ए प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है. ये फोर आइडेंटिटीज को यूज करेंगे. ये आइडेंटिटीज हमारे सम्स को बहुत बहुत इजी कर देंगी. और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको सम्स में मिलेगा, कभी यहाँ माइनस मिलेगा, कभी दोनों में माइनस मिलेगा, हो सकता है यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तो अकॉर्डिंगली आप इसी आइडेंटिटी से ही कर पाएंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5. क्वेश्चन नंबर वन इज यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. बहुत सारे गिवन है आपको स्टेटमेंट्स, उसमें आपको आइडेंटिटीज यूज करके प्रोडक्ट बताने हैं. तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3. इसको आप क्या कह सकते हो, देखो बाइनोमियल है, सेम बाइनोमियल ये है, इट मींस इसको हम कह सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर. और अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर. हम मान लें x है a और 3 है b, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हो आप. अब हमने क्या करना है, x plus 3 whole square given है और हमने इस फॉर्म में करना है. कैसे करेंगे, देखिए a है उसकी जगह लिखेंगे x square 2 into a again x into b into 3, b क्या है 3 square. इसको क्या कह सकते हो, x square प्लस 6x प्लस 9. कोई लाइक टर्म्स नहीं है, सो रिक्वायर्ड आंसर इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. तो ये क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर. इसको आपने ऐसे करना है. सेकंड पार्ट इज 2y प्लस 5 पार्ट 2y प्लस 5 एंड 2y प्लस 5. तो इसको क्या कह सकते हैं, 2y प्लस 5 होल स्क्वायर. अगेन
ए हो गया और ये बी हो गया, हमारी आइडेंटिटी यही यूज होगी। अब कैसे करना है, आपने ए की जगह पर रखना है आपको 2y और बी की जगह लिखना है 5, क्योंकि ये है हमारे पास। तो इसको आप क्या कह सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया, अब ए क्या है 2y होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, ए है 2y, बी है 5 प्लस बी स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर, अब 2y स्क्वायर। अब ये ध्यान रखेंगे 2y होल स्क्वायर है, इट मींस 2 मल्टीप्लाई 2 एंड y मल्टीप्लाई y, ये ध्यान रखना है, वरना 2y स्क्वायर लिख दोगे वो गलत होगा। 4y स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20y प्लस 5 5s are 25, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको कि हम ऐड करें, तो एज इट इज रह जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट, -7 सेकंड बाइनोमियल इज आल्सो 2a-7, इसको क्या कह सकते हो आप, 2a-7 ही है दोनों, तो हमने क्या लिखना है इसको, 2a-7 होल स्क्वायर। अब ये क्या बना, a-b होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस है, इट मींस आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a-b होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन क्या है, इस फॉर्म में है, a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हमने a की जगह क्या लिखेंगे, 2a होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 2a, बी की जगह 7 प्लस 7 स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, a इनटू a स्क्वायर माइनस 2 2s are 4, 7s are 28, 28a प्लस 49, 7 7s are 49 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, 3a-1/2 एंड 3a-1/2, इट मींस ये क्या बना, 3a-1/2 होल स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। अब फिर से वही आइडेंटिटी यूज होगी, a-b होल स्क्वायर, बट यहां पर हमने क्या करना है, a की जगह 3a और b की जगह 1/2 यूज करते हुए सॉल्व करना है। 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3a इनटू 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 3 3s are 9 और a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ये डिनोमिनेटर भी 2 है, यहां न्यूमरेटर भी है, तो 2 1s are 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, हमें ऐड नहीं करना, तो यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट,
1.1 m minus 0.4. देखिए सेम है नहीं, यहां प्लस है, तो अब देखो क्या करना है, अब सेम बाइनोमियल नहीं है, इट मींस ये 1.1 m जो है a माइनस b, ये a प्लस b है, यहां पर ये a माइनस b और a माइनस b नहीं है, जो कि हम a माइनस b होल स्क्वायर कर सके। अब ये क्या है इसका मतलब, ये है a, ये भी a है माइनस b, ठीक है, और ये भी a, ये b, इट मींस a माइनस b a प्लस b, ये गिवन है, और इसके लिए हम एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, इसको कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है, हमने ये बताना है। अब देखो a है क्या, यहां पर a क्या है 1.1 m, इस तरह से तो दिया हुआ है, ये लिखना है ना हमने, a स्क्वायर माइनस b क्या है 0.4 स्क्वायर। अब 1.1 m स्क्वायर, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर आएगा, अब 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा, और जब हम 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 121 तो आ गया 12, तो 12 डेसिमल आ जाएगा टू डिजिट से पहले, तो 1.21 m स्क्वायर माइनस 4 4s are 16, ये भी इसी तरह से जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1212, यहां डेसिमल आ जाएगा जीरो, आप लगा सकते हो 0.16। तो ये इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, क्योंकि ये a माइनस b और a प्लस b है, अगर यहां माइनस होता तो a माइनस b होल स्क्वायर होता, और यहां अगर प्लस होता तो a प्लस b होल स्क्वायर होता, वो आइडेंटिटी यूज होती ना, बट यहां पर है a माइनस b a प्लस b, सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। नाउ सिक्स्थ पार्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नेक्स्ट इज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो क्या है ये, अब ये तो है नहीं, ये सेम नहीं है, यहां माइनस आ गया, a तो है ये भी a है, बट यहां पे क्या है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो सेम तो नहीं कह सकते, ये सेम है, अब ये a प्लस b होल स्क्वायर नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, ये देखिए, ये अगर हम मान लीजिए ये b है ये a है, ये तो नहीं है, ये माइनस a है, ये माइनस a प्लस b है, a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बन सकता, पर कुछ ध्यान दीजिए, माइनस यहां नहीं है ना, तो a माइनस b होल स्क्वायर भी नहीं बन सकता, बट अगर हम इसको b माइनस a कह दें तो ये तो b प्लस a है ही, तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, देखो कैसे, इसको मैं कह सकती हूं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव लॉ, क्या करते हैं a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, कर सकते हैं हम ये कम्यूटेटिव लॉ से, तो हमने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यही किया है, तो ये भी ऐसा ही है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां ये कंफ्यूज मत होना, मैंने ये नहीं किया a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a, नॉट इट इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, सिर्फ प्लस में है, हमने कुछ भी नहीं किया, देखो
ये हमने ए ए ही है, ये बी ही है, हमने बी को यहां लाए और प्लस ए स्क्वायर ही लिखा है हमने, ये माइनस इसी का ही है, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ही यूज किया यहां पर भी। अब देखो हमें कुछ समझ में आ रहा है, अब देखो क्या बना, ये हो गया ए और ये है बी, तो ए प्लस बी, और ये है ए, ये है बी, तो ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमको पता है, तो वही यूज करेंगे। कैसे देखते हैं, ए प्लस बी ये हमारे पास है, ए माइनस बी हमारे पास है, हम इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम बना देंगे, इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे देखते हैं, ये है बी स्क्वायर को हमने क्या कहा है, ए कहा है, तो ए स्क्वायर बनाना है, इट मींस बी स्क्वायर रेज टू पावर टू, बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और बी क्या है यहां पर, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, बी स्क्वायर होल स्क्वायर बी रेज टू पावर फोर माइनस ए रेज टू पावर फोर, इस तरह से ये आइडेंटिटी यूज करके सम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7। अब इसमें तो क्लियरली गिवन है बेटा, यहां पर देखो इसको हम मान ले a और इसको ये भी a है, ये b है, a माइनस b, a प्लस b, अपने आप से ही ये बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या लिखना है, ये है a और ये है b, ये है a और ये है b, इट मींस a माइनस b और a प्लस b, ये हमारे पास गिवन है, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो देखो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमको लिखना है, a क्या है 6x होल स्क्वायर माइनस b क्या है 7 होल स्क्वायर, इसको क्या कह सकते हैं, 6 6 36 36 x स्क्वायर माइनस 7 7 49 36x स्क्वायर माइनस 49 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 8th पार्ट, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, देखिए ये दोनों आइडेंटिटी से हो सकता है, देखो चेक करते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए बी ए बी मींस ए प्लस बी, ए प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको आता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, बट आपको a वहां पर माइनस a रखना होगा, तो इस तरह से भी कर सकते हो, वरना कम्यूटेटिव लॉ यूज करिए यहां पर भी, कम्यूटेटिव लॉ में a प्लस बी है ना, तो b प्लस a क्या होगा, c माइनस a, इसको भी कम्यूटेटिव लॉ से क्या हो जाएगा, c माइनस a, तो c माइनस a क्या हो गया, c माइनस a होल स्क्वायर हो गया, और ये आइडेंटिटी आपको आती है, कौन सी आइडेंटिटी है ये, a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में ये है और इस फॉर्म में आपको करना है, a की जगह c, सी
square minus 2c into a, 2ca plus a square. तो c square minus 2ca plus a square. अगर हम यूं का यूं लिखे तब भी पॉसिबल है. यहां मैं बता देती हूँ, देखिए माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर ये बन गया, तो ए क्या है, माइनस ए है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने लिखना है. ये आइडेंटिटी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस ए, ये ध्यान रखिएगा, इंटू सी प्लस सी स्क्वायर. ए माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, ए स्क्वायर यहां माइनस है, प्लस माइनस माइनस टू सी ए या टू ए सी प्लस सी स्क्वायर, सेम आंसर आ जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी लगेगा इसलिए ये करवा दिया है, तो आप ऐसे कर लेंगे. ये है हमारा एट्थ पार्ट. एट्थ पार्ट आपने कर लिया है. नाउ नाइन्थ पार्ट. एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई बाय फोर. नेक्स्ट भी सेम ही है, एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई बाय फोर. इसको क्या कह सकते हो आप, क्योंकि सेम है इसको हम कह सकते हैं एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई बाय फोर होल स्क्वायर. अब ये क्या है, ए है, और 3 बाय बाय 4 क्या है, बी है. ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया. इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है, इस फॉर्म में हमारे पास है और इस फॉर्म में आपको लिखना है. ए स्क्वायर मीन्स एक्स बाय टू होल स्क्वायर प्लस टू, ए है एक्स बाय टू, बी है थ्री वाई बाय फोर, और फिर बी है थ्री वाई बाय फोर होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर. नाउ टू वन जा और नहीं कटता, मल्टीप्लाई कीजिए, वन वन जा वन, थ्री जा थ्री, थ्री एक्स वाई बाय वन फोर जा फोर, प्लस थ्री वाई को थ्री वाई से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन वाई स्क्वायर, फोर फोर जा सिक्सटीन. देखिए कोई लाइक टर्म नहीं है, so it's the required answer. Next is 7a minus 9b tenth part hai. अगेन 7a माइनस 9b. देखो अब ये क्या है, a माइनस b, ये भी है a माइनस b, तो इसको क्या कहेंगे, a माइनस b, ये भी a माइनस b, इट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा. तो इसको क्या कह सकते हैं, मतलब a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन ये है क्या, ये 7a है और ये क्या है, 9b है. तो 7a माइनस 9b होल स्क्वायर आपको बताना है, आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस b होल स्क्वायर.
इस फॉर्म में गिवन है ये स्टेटमेंट और आपने इस फॉर्म में कर देना है 7a होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a है तो 7a, b है 9b और b स्क्वायर मींस 9b होल स्क्वायर. 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7s are 49, a को ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 7s are 14, 14 9s are को आना चाहिए 126, a b प्लस 9 9s are 81 और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर 49 a स्क्वायर माइनस 126 a b प्लस 81 b स्क्वायर. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे, सभी हो गए हैं. कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.